केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है और लेकिन 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जगमनदीप सिंह है, मैं कैनेडा एयरपोर्ट में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है, और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊँ, वो मेरे घर पे आग वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ, 3582 6 South Pendle Road वहाँ पे बना हुआ है। मैं उसका उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है, वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो कहता कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 तो 19 में उनको मैं मिलने के लिए गया, 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मैनुअल मार्ग पे था, और मैं जो हूँ मैं ब्लूबेरी की और भांग की गांजा की खेती करता हूँ, तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले कि हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाए। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मनेटो का कोहली साहब का जिक्र है, मुझे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 1 कनाडा का कोड 1 है, 7782088600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो, तो उनसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया। वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी मेरा जो पिछोकड़ है पास्ट है, मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए, अकाली वैश्विक अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं किया तो कनाडा शिफ्ट। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आई डी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश नहीं दिया जाता था और गुरुद्वारे के पैसे पर कैश नहीं, बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था, वो वायर होती थी, वो वायर ऐसी होती थी ICICI बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो या फिर ऐसा होता था। ये बात आप देख सकते हैं, अगर आपको आपको नजर आ रहा तो मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश ले करके जो वायर होती थी वायर के जरिए ये पैसा उनको कमा के मंत्री के बेटे को दे दिया जाता था, ये ICICI बैंक की सारी वायर होती थी। और लेकिन 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है, इसमें खनन जितने ये पत्थर की जो होती है काम उनकी होती है। ये देखिए ये मनेटो का है, जो मनेटो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मनेटो का टेक्स्ट है और इसमें मैं आपको अच्छा ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है अश्विनी, उनकी कुछ के साथ चैट है मेरी, ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू ब्रंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई।
दूसरा उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है, मैं वो पार्सल की भी, अच्छा वो पार्सल किस चीज का है, वो मेकअप के सामान और बाल का गाजा का पार्सल है, और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ, और ये वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए, ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है, और इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली, लेकिन वो जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन देते थे, कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी टीका है। तो गुरु जी जो कहे ना वो मेरा किया कला गुरु जी कहना ये लिखे गया एड्रेस दिया हुआ है पार्सल इस एड्रेस पे भेज दिया, ठीक है। अगर ये थोड़ा कैमरा धुंधला है तो कोई भी मीडिया हस्ती जो मेरे से कॉन्टेक्ट करेगी मैं ये वीडियो जितने भी प्रूफ है उनको सौंप दूँ। ये एक वीडियो था जो दोपहर में सोशल मीडिया पर हमने देखा, और इस वीडियो के बाद अब कुछ कहने को ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होने के नाते सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि हमने इस मंच से पहले 2 वीडियो दिखाए हैं। इस तीसरे वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल वायरल वीडियो में जिस शख्स से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की बात हो रही है, उस शख्स ने खुद का नाम जगनदीप सिंह बताया है और वो अपने आप को कनाडा का व्यापारी बता रहा है। वहीं इस वीडियो पर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि आज सोशल मीडिया पर एक कूट रचित वीडियो मेरे बेटे से संबंधित वायरल किया गया, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जो चुनाव के समय विपक्ष के द्वारा जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले वायरल हो रहे इस वीडियो ने कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस वीडियो से बीजेपी को किस तरह का नुकसान होता है और कांग्रेस को किस तरह का फायदा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।